नमस्ते टू ऑल, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। इस वीडियो में जो आपको मैं समझाऊंगी जॉन मिल्टन का, समझाऊंगी जॉन मिल्टन के बारे में। एक बेसिक सा एग्ज़ाम होता है कि जब भी कोई ऑथर आप पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में है, तो जब एग्ज़ामिनर आपके लिए क्वेश्चन पेपर सेट करता है तो वो जाहिर सी बात है सबसे पहले वो जॉन मिल्टन यहीं से शुरू करेगा। वह यहीं से क्वेश्चन आपके टॉपिक में सेलेक्ट करेगा स्टार्टिंग से ही, और यहीं से बेसिक में ही वो आपके लिए क्वेश्चन पहले पहले उठा लेते हैं। ज़्यादा अंदर डीप में घुस कर के कुछ नहीं करता, कोई सेलेक्ट करने नहीं जाता क्वेश्चन। मैं भी जब क्वेश्चन पेपर बनाती थी, एक लेक्चरर लेवल के क्वेश्चन पेपर जब मैं बनाती थी, तो मुझे भी ये पता था कि बेसिक चीज़ें स्टार्टिंग से ही लेकर चलते हैं, फिर थोड़ा एक आध क्वेश्चन जो थोड़ा हार्ड सा डाल देते हैं। थोड़ा नया नहीं होता कि नया कोई क्वेश्चन नहीं होता है कि नया कहीं से बनकर आ गया कुछ हो गया। वही क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है कि स्टूडेंट को थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन होगा जो कुछ अलग सा लगेगा, तो एक दो क्वेश्चन उस तरह के डलते थे। अदरवाइज सिंपल से क्वेश्चन, जो बेसिक से क्वेश्चन थे, उस पर ही एग्ज़ाम सेट पेपर जो हम लोग करते करते हैं और सभी करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एग्ज़ामिनर आपका बनाने वाला कोई अलग से कोई आ गया, वो भी इंसान ही है। जॉन मिल्टन के बारे में बात अगर करती हूँ, तो अगर एग्जामिनर सेट करता है इस पेपर को, तो स्टार्टिंग से यहाँ से लेकर जाएगा, फिर आगे इनकी लाइफ के बारे में, पहले स्टार्टिंग लाइफ, फिर इनकी फैक्ट्स, फिर इनके वर्क्स, इस तरह से क्वेश्चन डिवाइड होते हैं कि पहले इनकी लाइफ के बारे में बताया जाएगा, फिर इनकी लाइफ के कुछ फैक्ट दिए जाएंगे। लाइफ के बारे में मतलब कि कब ये पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कौन माता पिता थे, कौन वाइफ थी, कितने बच्चे थे, कौन बहन भाई थे, इस तरह से सारा किसी भी ऑथर का बता दिया जाता है। दूसरा, फिर इनकी लाइफ में जो घटनाएं घटी, क्या क्या घटना कब कब घटी, वो होता है। तीसरा होता है फिर इनका वर्क्स आ जाता है कि कौन कौन से वर्क्स इन्होंने जो है लिखे हैं और कब लिखे हैं। चौथा, फिर ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं, ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं कि किसने इनके बारे में क्या किया, या इनके वर्क की फेमस लाइन कौन सी है, किस लिए इनका वर्क जो क्या काम करता है, किस लिए लिखा गया है। चार पोर्शन में इस इनके जो किसी भी ऑथर के बारे में डिवाइड क्वेश्चन होते हैं, तो पहला ही पोर्शन हम यहाँ पर देखेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्ट करेंगे, जो आपको नोट करना ही है कि आपको नोट करना है। यही आपके एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। जॉन मिल्टन, बर्थ इतनी नहीं पूछी जाती, पर इनका जो मृत्यु का सन बहुत पूछा जाता है कि जॉन मिल्टन की डेथ हुई कब थी, 1674। फिर उसके बाद जो बर्थ जो है थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है, लेकिन जो मृत्यु है इनकी वो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है। अब ये मत कहिएगा कि एक बार पूछ ले, दो बार पूछ ले, नहीं, ये सबसे ज़्यादा फिर भी ये कई बार आ चुका है जॉन मिल्टन की डेथ कब हुई, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आता है। फिर भी जरूरी नहीं कि 2023 के एग्जाम में नहीं आएगा, आ जाएगा, कोई नई बात नहीं होगी, आ जाता ही है। ऐसा ही नहीं कि क्वेश्चन 10 बार आ गया तो 11वीं बार नहीं आएगा, और ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे जो पिछले 10 सालों, अगर 10 साल एग्ज़ाम हुए तो 10 साल वो आ चुका है, पर वो 11वीं बार भी आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये जो टॉपिक होते हैं, चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, बात यही है समझाने का मैटर है कि बेसिक अपना पक्का रखिएगा, बेसिक पर अपनी कमांड रखिएगा, बेसिक ऐसा रखिएगा कि जो आपको बिल्कुल एग्ज़ाम टाइम पर पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। और उसके बाद अगर बेसिक आपका ये पक्का है, तो 90% आपकी तैयारी है, 10% जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं, तो वो भी हम देखते हुए चलेंगे आगे। नाउ, बर्थ इनका लंदन पोइट किसको कहा जाता है, जॉन मिल्टन को, ये क्वेश्चन इस तरह से आ भी जाता है। डेथ 1674 को इनकी डेथ हुई, गाउट एक तरह का गठिया रोग होता है, उसकी वजह से इनकी जो मृत्यु हुई। नाउ, जॉन मिल्टन के पाथ फादर जो थे, जॉन मिल्टन ए प्रॉस्पिरस लंडन स्क्रिवनर इज सेड टू हैव टर्न प्यूरिटन वाइल स्टूडेंट एट एक्सफोर्ड एंड टू हैव बीन डिसइनहेरिटेड बाय हिज। ये इतना लंबा लिखा हुआ है, पर आना इसमें से आपके लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ खास नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर, मदर हाँ इनकी इंपॉर्टेंट है, मदर इनकी जो इनकी मदर का नाम है वो ज़्यादातर पूछा जाता है, कि ऑप्शन रखे जाएंगे आपके पास चार, और पूछा जाएगा कि जॉन मिल्टन की मदर इसमें से कौन सी है, माता जी कौन सी है, या फिर जैसे विलियम शेक्सपियर की जॉन मिल्टन की चार ऑथर्स की दे देंगे और साइड में माताओं के नाम हो जाएंगे और मैचिंग कर लेके आपके लिए दे देंगे, या फिर क्वेश्चन इस तरह से था, पर सीधे सीधे ज़्यादा पूछा जाता है कि सीधे ही बता दो जॉन मिल्टन की मदर का नाम क्या है, तो सारा जेफरी।
फैक्ट इनकी लाइफ के ऊपर। ही विदड्रॉ हिमसेल्फ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इन 1632 आफ्टर टेकिंग द डिग्री ऑफ एमबीए। तो यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन बनता है कि ही विदड्रॉ हिमसेल्फ, उन्होंने विदड्रॉ किया था अपने आप को फ्रॉम द यूनिवर्सिटी 1632 में आफ्टर टेकिंग, मतलब एमए की डिग्री लेकर वो बाहर मतलब निकल गए थे। तो 1632 सन कि कब विड्रॉ किया था अपने आप जॉन मिल्टन ने हिमसेल्फ को, तो 1632 में। और कौन सी डिग्री थी उनके पास? एमए की डिग्री, यानी कि एमए की जो डिग्री है, एमए किसने किया है? जॉन मिल्टन ने किया हुआ है। द मैस्क्यू ऑफ कॉमर्स वाज रिटन इन 1634, मैस्क्यू ऑफ कॉमर्स, और 1634 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, इंपॉर्टेंट बहुत बहुत वाला इंपॉर्टेंट है ये। और कॉमर्स क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ पे, कॉमर्स क्या है? तो ये एक मैस्क्यू है। ऑलराइट, नाउ टू बी परफॉर्म एट लॉडलॉक कासल बिफोर द अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर एंड फ्रेंड द ट्रिम्प ऑफ वर्च्यू वुड बी बेटर नेम फॉर दिस परफेक्ट टाइटल मैस्क्यू। इसके जो इस जो मैस्क्यू है इनके लिए परफेक्ट नाम क्या दिया जा सकता है, क्योंकि ये क्या जो कास्ट किया गया वो अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर पर किया गया। ये नेम भी इंपॉर्टेंट है, ये पूरी लाइन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसका जो प्रॉपर नाम सही तो ट्रिम्प ऑफ वर्च्यू कह सकते हैं, अच्छा ज़्यादा माना जाएगा। तो ये पूरा पैरा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अनदर इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ से, इन 1637 ही रोट लेसिडास। तो यहाँ सीधा सा क्वेश्चन होता है, लेसिडास जो है कब लिखा? 1637 पर। और ये है क्या? एक इलेजी है। आगे पढ़ेंगे, ए मोनोडी ऑफ द डेथ ऑफ हिज कर्लिस फ्रेंड एडवर्ड किंग हु ड्रॉन इन द आयरिश सी में डूब गए थे ये। इट इज हिज लास्ट ओशन पोएम। क्वेश्चन चार पांच, ये तीन लाइनों में चार पांच क्वेश्चन आपके लिए रख दिए गए। पहली बात, सीधा सा पूछा था लेसिडास लिखा किसने, जॉन मिल्टन ने। कब लिखा है? 1637 में। ये लेसिडास है क्या, क्या लिटरेरी फॉर्म है? तो एक इलेजी है। अब एक क्वेश्चन, लेसिडास इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ, किसकी डेथ पर? तो एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लिखा था, जो इनके फ्रेंड थे। और वो कैसे मरे थे? तो वो डूब कर मरे थे आयरिश सी में, ठीक है। और ये कैसा है, क्या है? एक ओशन पोएम, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं होता मिल्टन के लिए बहुत ज़्यादा आपसे पूछ ले, यहीं से इन्हीं दो चार लाइनों में से ही क्वेश्चन आपका आंसर, आपका क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। बस टीजीटी में थोड़ा ये है कि चार ही राइटर हैं, चार ही ऑथर हैं, तो मिल्टन के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से फिर बनते हैं। नेक्स्ट, बिटवीन हिज फ्रेंडशिप विद द एक्साइल्ड डच स्कॉलर ग्रॉट, यहाँ कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। बिटवीन 1639 एंड 1640 ही मेड फोर ड्राफ्ट फॉर ए वर्क टू बी कॉल्ड एडम। एक यहाँ से थोड़ा सा निकल, वैसे ही क्वेश्चन आता नहीं है जो ये लाइन है, इनमें से क्वेश्चन वैसे आता नहीं है जल्दी से, लेकिन थोड़ा ट्रेंड को समझते हो, थोड़ा टाइम को समझते हो कि चीज़ें अब नई नई जो कभी नहीं पूछी गई वो थोड़ी थोड़ी पूछी जाने लगी हैं, तो उस हिसाब से बेसिक, वैसे इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता। 1639 से 1642 ही मेड फोर ड्राफ्ट बनाए फॉर ए वर्क टू बी कॉल्ड, किसके लिए? एडम अनपैराडाइज के लिए उन्होंने फोर क्राफ्ट्स बनाए। कब बनाए? 1639 से 1642 के बीच में। इन 1643 ही मैरिड मैरी पॉवेल, सीधा सा पूछा जाता है कि जॉन मिल्टन की वाइफ का नाम क्या है, तो मैरी पॉवेल, ठीक है। इन 1643 में मैरी पॉवेल, और सन भी इसका इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि कब मैरिड किया था मैरी पॉवेल से, 1643 में। ए शैलो प्लेजर लविंग गर्ल द डॉटर ऑफ रिचर्ड पॉयल एंड एक्सफोर्डशायर कैवियर ऑफ रॉयल, दिस मैरिज वाज ए फेल, ये मैरिज जो इनकी फेल हो चुकी थी। और यहाँ पर फेल होने का, जो फेलियर होने का जो लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ किसी ने किसको डिच किया, छोड़ दिया। जो ये मैरी पॉवेल थी, इनकी डेथ हो गई थी जब इन्होंने अपने चाइल्ड को बर्थ दिया था, तो बच्चे को जन्म देने के दौरान इनकी मृत्यु हो चुकी थी। जॉन मिल्टन की दो तीन तीन वाइफ्स रही हैं मेनली, स्पेशली गर्लफ्रेंड तो पता नहीं कितनी हो सकती हैं, मेन जो वाइफ्स इनके नाम आते हैं मैरी पॉवेल के साथ, दो का और आता है जो इम्पोर्टेंट है। कैसे क्वेश्चन तीनों वाइफ्स में बनता है वो आगे हम समझेंगे। नाउ इन 1644 इन्होंने एरोपैगिटिका लिखा, और ये किसके बारे में? फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये
ये आपके लिए जरूरी है पता होना इसके बारे में। एरोपैगिटा का किसने लिखी? जॉन मिल्टन ने। चल ही रहा है। कब लिखी? 1644 में। और किसके ऊपर है ये? फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर। तो इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट्स 2 लाइन में। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन जो सेकंड पॉइंट है, इन 1649 ही बिकेम फॉरेन सेक्रेटरी टू द कॉमनवेल्थ। क्वेश्चन आता है कि फॉरेन सेक्रेटरी कौन बना कॉमनवेल्थ के लिए? तो जॉन मिल्टन कब बने? 1649। ही लॉस्ट द साइट ऑफ वन आई। एक आँख की उन्होंने रोशनी, क्योंकि जॉन मिल्टन एक ब्लाइंड पॉइंट माने जाते हैं, तो एक आँख की रोशनी उन्होंने कब की? 1650 में वो खो चुके थे। ही डिड नॉट केयर फॉर द वार्निंग। डॉक्टर ने मना किया था, उन्होंने एडवाइस दी थी कि रेस्ट करना चाहिए, कि इतना वर्कलोड लिखो मत इतना वर्क, लेकिन उन्होंने नहीं मानी, नहीं केयर की। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा? द डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल। उन्होंने लिखा दिस वर्क रिजल्टेड इन टोटल ब्लैंक। उन्होंने द डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल लिखा तो, लेकिन जब आई साइट वीक है उससे क्या फ़र्क पड़ा, वो टोटली ब्लाइंड हो गए। और कब? 1652 में। क्वेश्चन क्या बनता है कि जॉन मिल्टन किस सन में टोटली ब्लाइंड हो गए थे? 1692, 92, 52, 52। मेरा तो मैथ तो बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा बुरा है। इनकी एज भी पूछी जाती है, कितनी एज के थे जब ये ब्लाइंड हुए। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है इसी पर कि क्या उम्र थी उनकी, क्या एज थी उनकी जब वो टोटली ब्लाइंड हुए। तो इसको ज़रा माइनस प्लस करके देखना, 1608 से 1652 तक 44 ही तो आता है। वैसे मैथ नहीं कर पाती, लेकिन मुझे इसका लर्न है, याद है कि 44 साल की एज में वो जो है उनकी एज थी 44 ईयर जब वो टोटली ब्लाइंड हो गए थे। बाकी प्लस माइनस आपका काम है, मेरा नहीं है बिल्कुल भी। इन 1649 इन सपोर्ट ऑफ द नो। नाउ यहाँ से इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक शुरू होता है। इन फरवरी 1652 ही बिकेम ब्लाइंड। पूरी तरह संदेह हो चुके थे। तो इनकी फर्स्ट जो वाइफ थी मैरी पॉवेल, अब यहाँ पर वाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, डाइड हो गई थी, मर गई थी ऑन 5 मई 1900। ये पूरा पैराग्राफ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैसे? 5 मई 1652 को उनकी पहली वाइफ मर चुकी थी। कि सी हैड बॉर्न हिम थ्री तीसरी डॉटर, जो 3 बेटियाँ थी उनकी, एक एनी, मैरी एंड डेवरो। तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि तीनों के नाम पूछे जाते हैं। कैसे भी पूछ लेते हैं कि तीन इनके लिख दिए, एक अलग लिख दिया नाम, या फिर चार जो ऑप्शन में से सिर्फ एक का नाम की पूछ लेंगे कि चारों में से कौन सी एक उनकी डॉटर का नाम है। तो एनी मैरी डिवो जो इनकी डॉटर्स थी, जो मैरी पॉवेल से बॉर्न हुई थी। नेक्स्ट, द ओनली मेल चाइल्ड जॉन डाइड। मृत्यु हो चुकी थी बचपन में ही 1651 में। इन 1656 ही मैरिड कैथरीन। फिर उन्होंने सेकंड वाइफ जो थी कैथरीन वुडकॉक थी। बोथ मदर एंड द चाइल्ड डाइड। वो भी मर चुकी थी 1658 में। फिर थर्ड वाइफ जब इनकी आई थर्ड टाइम, तो 1663 में इन्होंने शादी की, तो एलिजाबेथ मिंसल से शादी की, जो 30 ईयर उनसे 30 साल छोटी थी। वाइफ्स के नाम पूछे जाते हैं कि सेकंड नंबर की वाइफ कौन सी थी, थर्ड नंबर की वाइफ कौन सी थी, पहली वाइफ कौन सी थी। तीनों वाइफ्स का नाम क्रम से आपको पता होना चाहिए। पहली मैरी पॉवेल, दूसरी कौन सी आ गई कैथरीन वुड को, और तीसरी एलिजाबेथ मिशेल इनकी वाइफ। तीनों के नाम आपको क्रम से पता होने बहुत ही ज़रूरी हैं। नाउ लाइन से बिफोर राइटिंग पैराग्राफ लॉस्ट, लिखने से पहले क्या वो किंग आर्थर के बारे में लिखना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि पहले फॉल ऑफ मैन मतलब पैराग्राफ लॉस्ट लिखें। तो फिर ये 1665 में जो है फिनिश किया है इन्होंने, और 1667 में ये पब्लिश हुआ। इंपॉर्टेंट लाइन है। ओरिजिनल कई बार बता चुकी हैं आपसे, कह चुकी कि ओरिजिनल जो पैराडाइज लॉस्ट है उसमें जो डिवाइड है वो सिर्फ 10 बुक हैं। अदरवाइज आफ्टर वार उसमें डिवाइड किया गया, 12 बुक्स बाद में हुई है, लेकिन जो ओरिजिनल इनका जो है ओरिजिनल जो वर्क है उसमें सिर्फ 10 बुक है। अगर वर्ड आता आपके क्वेश्चन में कि पैराडाइज लॉस्ट ओरिजिनली, ये ओरिजिनली वर्ड आता है, तो आपको 10 बुक लिखनी होंगी, 10 बुक वाले पे टिक करना होगा। अदरवाइज सीधा सीधा आता है कि पैराडाइज लॉस्ट डिवाइडेड इंटू, तो 12 बुक। पैराडाइज लॉस्ट ओरिजिनली डिवाइड इंटू 10 बुक्स। द कॉपीराइट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट सोल्ड सैमुअल सिमंस। नहीं इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए ये, नो
यहाँ पर, यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, पैराग्राफ्स रिगेन्ड एक वर्ड है, एक लॉस्ट है एक रिगेन्ड है। तो रिगेन वाला कब हुआ, 1671 में पब्लिश हुआ, और सिर्फ पैराडाइज लॉस्ट कब हुआ, 1667। कहाँ था, यहाँ था, इन 1671। हिज लास्ट इंपॉर्टेंट वर्क सैमसन एगोनिस्ट, द मोस्ट पावरफुल ड्रामेटिक पोएम ऑन द ग्रीक मॉडल। सैमसन एगोनिस्ट इंपॉर्टेंट है, कब, 1671। इसके कैरेक्टर भी पूछे जाते हैं, इसके बारे में भी पूछा जाता है पोएम के। तो पूरी पोएम की हिंदी इंग्लिश जैसे भी आप कर सके आपको करनी है, और कब पब्लिश हुई ये भी करना है, कौन इसके राइटर है ये भी याद आपको करना है। नाउ मिल्टन लेफ्ट हिज स्टेट बाय विल टू हिज थर्ड वाइफ, को ही छोड़ के जाते थे क्योंकि दो तो है ही नहीं थी, बट द थ्री डॉटर्स कंटेस्टेड द विल। वर्क भी देख लेते हैं इनके, कौन से आपको पढ़ने हैं जरूरी, कौन से आपके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो ऑन द मॉर्निंग मॉर्निंग ऑफ क्रिस्टनेटिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट, सन 1629। थोड़ी सी एक दो लाइनें बस, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता इसमें। एल एलिग्रो एंड सेकेंड एल पेंसेरसो 1631 1634 में पब्लिश। एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से, आता जरूर है, एक दो क्वेश्चन कहीं नहीं गया। पूरी डिटेल पता होनी चाहिए, इसकी स्टोरी, इसके पब्लिकेशन क्या, इसका मीनिंग क्या, इसका मीनिंग पूछा जरूर जाता है, एक क्वेश्चन आएगा जरूर यहाँ से। कॉमर्स जरूर आना है क्वेश्चन एक ना एक, कॉमर्स 1634। मैथ्स क्यों है एक, लेटिजस ये वर्क कैसे हैं, जो जहाँ से एक एक क्वेश्चन आपका आना ही है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आना ही है बस। अगर उन्होंने कोई और पोर्शन ज़्यादा ना बढ़ाया तो अदरवाइज इसमें से क्वेश्चन आएगा जरूर, इन वर्क्स में से। एरोपैगिटिका, ऑफ एजुकेशन तो बाद में है, पर एरोपैगिटिका इंपॉर्टेंट है। पैराडाइज लॉस्ट तो इनका मेन वर्क है ही, पैराडाइज लॉस्ट, तो उस पर क्वेश्चन ना बने तो ऐसा हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। तो पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन पे तो सिर्फ ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि इसका पब्लिकेशन कौन सा है, ज़्यादातर यही क्वेश्चन इस पर एक बनता है। सैमसन एगोनिस्ट एक दो क्वेश्चन हाँ यहाँ से भी आता है। चलिए यहाँ पर ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इन पोएम्स जो लिखी हुई है ऑन हिज ब्लाइंडनेस पे एक क्वेश्चन जरूर बनता है, किसी भी तरह से इनके ब्लाइंडनेस के बारे में कोई सा भी क्वेश्चन बन जाता है। कब अंधे हुए, कैसे अंधे हुए, कौन सा वर्क लिख रहे थे, कौन सी पोएम लिखी जा रही थी, ब्लाइंडनेस में क्या बताया है, क्या कहा है, क्या उसकी लाइनें हैं, सारी कहीं कुछ भी क्वेश्चन उनकी ब्लाइंडनेस के ऊपर बन जाता है। और उससे अच्छी पोएम उनकी ऑन हिज ब्लाइंडनेस से अच्छी इस चीज़ के लिए कोई है नहीं। टू द नाइट एंगल भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें आपकी यही है, बेसिक है, कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है, हो सकता है यहीं से इसी में से क्वेश्चन बन जाए इनके। थैंक्स अ लॉट।